हेलो फ्रेंड्स सरकुटमा चल रहा है यहाँ मैं अपने किचन में बना रही हूँ एक टेस्टी सा और काफ़ी हेल्दी सा डिज़र्ट आप इसे व्रत में बना के खा सकते हैं खाने के साथ आप इसे डिश में भी से बना के खा सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही इमी बनता है उसको मैंने पहले से उबाल लिया था उबाल करके यहाँ मैं छि छे, छिलके निकाल लिया और हाथों से थोड़ा अच्छे से मैश कर लेंगे यहाँ मैं एक पैन लिया पैन में दो बड़ा चम्मच देसी घी डाल देंगे देसी घी से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनता है उसके बाद देसी घी गर्म होने पे जो क्रश किए हुए उबले हुए शक्कर उसको डाल के कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक तो इसका कलर चेंज ना आ जाए उसका एक बड़ा चम्मच हम देसी घी और डाल देंगे कुल मिला के कम से कम तीन से चार चम्मच मैंने घी घी डाला है और फिर मैंने एक बड़ा चम्मच घी डाल दिया है और फिर कंटिन्यू इसको चलाते हुए तो कलर चेंज होने तो इसको अच्छे से भूल लेंगे ये हेल्थ के साथ साथ काफ़ी टेस्टी भी और काफ़ी हेल्दी भी है आप आलू की जगह इसका डिश बना के खाएं बहुत ही अमी और बहुत ही फायदेमंद भी है और कंटिन्यू चलाते रहेंगे इसे जब तक इसमें कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए और रुको एक एक से दो चम्मच हम घी और ऐड कर देंगे इसमें से इस अच्छे से ही स्पेशल इसको चलाते हुए अच्छे से मैश कर लेंगे एक बड़ा चम्मच घी और डाल देंगे इसमें फिर और कंटिन्यू चलाते हुए इसको तक तो कलर चेंज होने तक उसको भून लेंगे तो टोटल बनने में इसके पाँच मिनट ही लगा था उसके बाद यहाँ पर हम एक बड़ा चम्मच चीनी डाल देंगे चीनी आप स्वाद अनुसार कम या अधिक कर सकते हैं बिना चीनी की भी बना सकते हैं क्योंकि शक्करगंध काफ़ी मीठा वैसे भी होता है हल्का मीठा खाना चाहते हो तो चीनी मत डालें उसको एक बड़ा चम्मच देसी घी और डाल देंगे फिर कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ा कलर चेंज होने थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम भून लेंगे अब देख सकते हैं पहले से कलर इसका काफ़ी चेंज हो गया है ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही मेल लगते हैं आप इसको गर्मा गर्म खाएं तो बहुत ही पसंद आएगा आपको टेस्ट के साथ काफ़ी हेल्दी भी लगेगा आपको अच्छे से हल्का सा दबाते हुए इसको अच्छे से भूल लेंगे हम इसको कंटिन्यू चलाते हुए उम्मीद करते हैं दोस्तों को मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना लाइक करना ना भूलें नई रेसिपी के लिए कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके देख सकते हैं कि पहले से काफी कलर चेंज हो गया है और तो थोड़ा सा और भून लेंगे इसे हम उसके बाद आधा कप यहाँ पे हम दूध भी ऐड कर देंगे इसमें घर का नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है ये चलाते हुए तो अच्छे से ड्राई कर लेंगे यहाँ आप देखिए हलवा के तैयार हो गया काफी हो, काफी हो, है काफ़ी टेस्टी और काफ़ी यमी और काफ़ी फ़ायदेमंद है ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल के हम सर्व करेंगे उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आपके पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे अगर गर्मा गम खाएँगे तो बहुत ही पसंद आएगा आपको आप व्रत में खाएँ या वैसे भी बना के खा सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग गुड बाय